एक कंसेप्ट है क्वांटिफायर, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, तो हमने देखा है कि क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, ठीक है, हमने ये देखा है कि जो ओपन सेंटेंस होता है वो स्टेटमेंट नहीं होते। जैसे अगर मैंने लिख दिया कि एक्स माइनस फोर इक्वल टू थ्री, तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट में नहीं आएगा क्योंकि ये ओपन सेंटेंस है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है, एक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। लेकिन इन ओपन सेंटेंस को हम डिफरेंट क्वांटिफायर का यूज करके क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बना सकते हैं जो कि लॉजिकल स्टेटमेंट होगा, लेकिन उन्हें क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कहेंगे क्योंकि उन्हें क्वांटिफायर का यूज करके बनाया गया है। तो क्वांटिफायर कौन से, एक दो टाइप के क्वांटिफायर है हमारे पास, यूनिवर्सल क्वांटिफायर जिसको हम डिनोट करते हैं फॉर ऑल, इसे पढ़ते हैं फॉर ऑल, और एक है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। जिसे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं और इसे पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि इन दोनों में से कौन से क्वांटिफायर का इस्तेमाल कब किया जाए। फॉर ऑल इसका मतलब होता है कि हर एक वैल्यू के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। देयर एग्जिस्ट मतलब सम वैल्यूज के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज इट इज ट्रू, और फॉर सम वैल्यूज। तो अगर ये वाला स्टेटमेंट देखे तो एक्स माइनस फोर इक्वल टू थ्री, तो जितने भी रियल नंबर है सब में से अगर फोर माइनस करें तो थ्री मिलेगा, नहीं है ना। यानी हमें इस स्टेटमेंट को, इस ओपन सेंटेंस को अगर क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बनाना है तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर का यूज नहीं होगा, हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, एग्जिस्टेंशियल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एक्स इक्वल टू सेवन, इजंट इट, बिलोंग्स टू आर नंबर लिख सकते हैं, आई होल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एन भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर। एक्स देयर एग्जिस्ट सेवन बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स माइनस फोर इक्वल टू थ्री। अब ये स्टेटमेंट देखें तो ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट नहीं है, और यहाँ पे क्वांटिफायर का यूज किया गया है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट होगा। और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की ट्रूथ और फॉल्स वैल्यू भी हम बता सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि स्टेटमेंट दिए रहेंगे और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट रहेंगे और हमें बताना रहेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये बात हमें समझनी है कि अगर हम क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में चेंज कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वांटिफायर यूज करके हम चेंज कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये कौन सी एक्स के लिए है वो नहीं दिया गया है। हाँ अगर देखें तो माइनस थ्री, अगर एक्स की वैल्यू माइनस थ्री है, माइनस थ्री स्क्वायर भी पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू अगर वन है तो वन स्क्वायर भी पॉजिटिव है, अगर एक्स की वैल्यू माइनस वन बाय टू है तो माइनस वन बाय टू स्क्वायर जो होगा वन बाय फोर वो भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो कंडीशन है ये सारे रियल नंबर्स के लिए ट्रू है, इजंट इट। तो यहाँ पर फॉर ऑल का यूज हम लोग कर सकते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये जो अब हो गया है ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट हो गया है और इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है क्योंकि ये सही है। तो हम फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट का यूज करके क्वांटिफाइड ओपन स्टेटमेंट को क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में चेंज कर सकते हैं जो कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि इफ ए ए इज गिवन बाय वन टू थ्री अप टू सेवन, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो अब ट्रूथ वैल्यू हमको अगर देखना है तो जैसे यहाँ पर है कि देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, देयर एग्जिस्ट है मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ कुछ वैल्यूज के लिए सही बता रहा है, ठीक है। एक्स माइनस फोर इक्वल टू थ्री, तो यहाँ पर एक्स माइनस फोर इक्वल टू थ्री अगर कंडीशन देखें तो सिर्फ एक्स जो है वो सेवन ही ऐसा नंबर है जो फोर सब्ट्रैक्ट करने के बाद थ्री देगा। तो यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अगर ये लिखा रहता फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स में जितने एलिमेंट है सब ये कंडीशन ट्रू कर रहे हैं, तो वो गलत होता क्योंकि एक्स में ये सारे एलिमेंट में से फोर सब ट्रैक करो तो थ्री नहीं मिलता है,
यहाँ पे देयर एग्जिस्ट का यूज किया गया है, और ठीक है, यानी कि कुछ ही नंबर ऐसे हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, और वो 7 है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, और ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू सिंस एक्स इक्वल टू 7 विच बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स माइनस 4 इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखें, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब है कि एक्स ए में जो वैल्यूज हैं सारी वैल्यूज ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो हम देखते हैं एक्स अगर 1 रखें तो 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 3 होगा क्या? नहीं, 2 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। तो इक्वल टू 3 की सिंबॉल भी है तो इक्वल टू 3 है। फिर अगर देखें 3 प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यस। 4 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यस। 5 प्लस 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 6 प्लस 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 7 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यस। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज के लिए ट्रू हो रहा है ये कंडीशन, लेकिन ये वाली वैल्यूज के लिए नहीं है, जबकि यहाँ लिखा है कि एक्स ए में मौजूद हर वैल्यू के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी, तो जो कि रॉन्ग है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सिंस एक्स इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू ए डज नॉट सेटिस्फाई दी इक्वेशन इन इक्वेशन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इस तरीके से क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू मालूम कर सकते हैं, और कोई भी ओपन स्टेटमेंट को क्वांटिफायर का यूज करके क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में चेंज कर सकते हैं।